दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे iQOO Neo 7 Pro स्मार्टफोन को Realme 11 Pro Plus स्मार्टफोन के साथ में, और यहां पर हम सबसे पहले बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन्स की डिस्प्ले की। तो आपको बता दूं कि iQOO के अंदर हमें 6.78 इंचेस की फुल HD प्लस AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है, और वहीं दूसरी तरफ Realme के अंदर हमें 6.7 इंचेस की फुल HD प्लस कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। यानी कि दोस्तों डिस्प्ले यहां पर भाई कंटेंट वॉचिंग के हिसाब से ना दोनों स्मार्टफोन्स की एकदम बढ़िया वाली है, क्योंकि दोनों फोन्स में हमें AMOLED पैनल मिल रहा है, भी अच्छी बात है, मजेदार कंटेंट वॉचिंग आपको करवा देगा। लेकिन यार दोस्तों अगर आपको कर्व डिस्प्ले के हिसाब से स्मार्टफोन लेना है ना भाई, कि देखने में लगे हां यार कोई प्रीमियम फोन आपने हाथ में पकड़ रखा है, तब आप यहां पर डेफिनेटली Realme की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें कर्व डिस्प्ले मिल रही है भाई। और ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो iQOO का फोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि फ्रंट एंड 13 पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरह Realme का फोन भी आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में आता है जो कि Realme UI 4.0 पर बेस्ड है। यानी कि दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं, क्योंकि दोनों फोन हमें आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 के साथ में मिल रहे हैं, भी अच्छी बात है। लेकिन यार अगर मैं UI की बात करूं ना भाई, तो भर भर के ब्लोटर्स तो आपको दोनों में मिल जाएंगे, उसका हम कुछ नहीं कर सकते। और यार ये जो Realme UI है ना, इसमें तो हद से ज्यादा ही ब्लोटर्स आपको मिलेंगे, इस चीज का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा। और दोस्तों चिपसेट की अगर हम बात करें तो iQOO के अंदर हमें Snapdragon 8 Plus Gen 1 5G चिपसेट दिया गया जो कि 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं दूसरी तरफ Realme के अंदर हमें Dimensity 7050 5G चिपसेट दिया गया जो कि 6 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वैसे तो दोस्तों डे टू डे परफॉर्मेंस और गेमिंग के मामले में यहां पर दोनों चिपसेट बढ़िया हैं, लेकिन यार अगर आपको बिल्कुल टॉप लेवल गेमिंग करनी है ना, बिल्कुल सुपीरियर वाली गेमिंग, तब आप यहां पर डेफिनेटली iQOO की तरफ ही जरूर से जाइए, क्योंकि इस फोन में हमें Snapdragon 8 Plus Gen 1 दिया गया भाई, नेक्स्ट लेवल यार, बिल्कुल फ्लैगशिप वाला चिपसेट है, फ्लैगशिप वाली गेमिंग आपको करवा देगा। और दोस्तों अगर आप इन दोनों फोन्स में से किसी वाले को बाय करना चाहते हैं ना, तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें बाय कर सकते हैं। और अब बारी आती है भाई बैक कैमरा सेटअप की, तो दोनों स्मार्टफोन्स के बैक में हमें ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे iQOO की, तो इस फोन का मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। वहीं दूसरी तरफ Realme फोन का मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का, अल्ट्रा वाइड कैमरा है 8 मेगापिक्सल का, और जो मैक्रो कैमरा वो है 2 मेगापिक्सल का। और आपको बता दूं दोस्तों बैक कैमरा सेटअप के मामले में यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं भाई, अच्छी फोटोज और वीडियो आप दोनों फोन्स के कैमरा सेटअप से क्लिक कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के बैक कैमरा से 4K तक कर सकते हैं। साथ ही वीडियो स्टेबलाइजेशन के लिए यहां पर दोनों स्मार्टफोन्स OIS प्लस EIS टेक्नोलॉजी को भी सपोर्ट करते हैं। फ्रंट कैमरा की अगर हम बात करें तो iQOO के फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है, वहीं दूसरी तरफ Realme के फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। और आपको बता दूं दोस्तों सेल्फी लवर्स के हिसाब से यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं भाई, काफी अच्छी फोटोज और वीडियो आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से भी क्लिक कर पाएंगे, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग आप दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से सिर्फ 1080 पिक्सल तक ही कर सकते हैं। और बैटरी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन्स यहां पर 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में आते हैं, जिसमें कि iQOO का फोन 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, वहीं दूसरी तरफ Realme का फोन 100 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। और दोस्तों फास्ट चार्जिंग के मामले में भी यहां पर दोनों स्मार्टफोन बढ़िया हैं। और नेटवर्क कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो दोनों फोन्स यहां पर ट्रूली 5G कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं, 3.5 mm जैक हमें दोनों फोन्स में से किसी में भी नहीं दिया गया। लेकिन यार स्टीरियो स्पीकर्स, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक हमें दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल जाता है। और अब लास्ट में हम बात करते हैं दोनों फोन्स की प्राइसिंग की, तो आपको बता दूं कि iQOO फोन के 8+128GB वेरिएंट के अप्रोक्स प्राइसिंग है 36,000 पे, वहीं दूसरी तरफ Realme फोन के 8+256GB वेरिएंट की प्राइसिंग है 28,000 पे। और दोस्तों जो प्राइसिंग है ना भाई, ऑफर्स के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होती रहती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं ना यार इन दोनों फोन्स के लिए, तो देखिए भाई अगर आपको गेमिंग सेंट्रिक ही स्मार्टफोन चाहिए एकदम बढ़िया वाला, तब आप यहां पर डेफिनेटली iQOO की तरफ ही जरूर से जाइए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोस्तों अगर आपको कर्व डिस्प्ले के हिसाब से Realme का स्मार्टफोन लेना, जहां पर कि आपको बढ़िया डिजाइन भी मिल रहा हो बैक में, तब आप यहां पर Realme की तरफ जरूर से जा सकते हैं। लेकिन यार ये जो ब्लोटवेयर्स और एड्स आपको इस फोन में मिलेंगे ना भाई, उससे का भी आप ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको ब्लोटवेयर फ्री स्मार्टफोन चाहिए ना, तब आप यहां पर मोटो एज 40 स्मार्टफोन को जरूर से बाय कर सकते हैं। तो बस दोस्तों यही थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियंस इन दोनों स्मार्टफोन्स के लिए। खत्म।